उज्जैन में एक युवक ने मां के प्रति श्रद्धा के लिए अनूठी मिसाल पेश की। युवक ने अपने शरीर की चमड़ी से चप्पल बनवाकर अपनी मां को भेंट की है। युवक के इस बलिदान को देख परिजनों के आंसू निकल गए। ढांचा भवन निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी रौनक गुर्जर घर के समीप ही भागवत कथा करवा रही है। उसने निजी अस्पताल में ऑपरेशन करवाकर अपनी जांघ की चमड़ी निकलवाई है और उससे चप्पल बनवाकर बुधवार दोपहर कथा के मंच पर अपनी मां निरुला गुर्जर को चप्पल भेंट की है। रौनक ने बताया है कि उसने रामायण में पढ़ा है कि माँ के लिए अपनी चमड़ी से भी खड़ाऊ बनवाओ तो कम है, इसलिए उसने माँ को बिना बताए प्रण किया और अपनी चमड़ी निकलाकर चप्पल बनवाई। चमड़ी निकलवाने के दर्द से ज्यादा माँ के लिए अपनी खाल की चप्पल बनवाने की खुशी है। उसने कहा, माँ ही उसकी भगवान है। मैं कई विगत वर्षों से रामायण जी का अध्ययन करता हूँ। मैं रामायण जी सैकड़ों बार अवध भाषा में और हिंदी भाषा में भी पढ़ी है। उसी में राम जी की जगह अपनी माता के लिए कि मैं अपनी माँ को कोई भी व्यक्ति, अगर राम जी के शब्द हैं कि अपनी माँ को अपने चमड़े की खड़ाऊ पहना दो तो भी कम है, तो मुझे लगा मेरी माँ को कहना चाहिए। राम जी मेरे प्रेरणा स्रोत है। हर माँ अपने बेटे के लिए बहुत मायने रखा थी, लेकिन ऐसा कुछ विशेष कि जिस वजह से आपने ये स्टेप उठाया? भैया, घर घर छोटी छोटी कहानियाँ होती है, कुछ हमारे घर की भी थी, हम इस चीज़ को मीडिया पे नहीं बताएंगे। और ठीक है, मेरी माँ थोड़ी दूर चली गई थोड़े दिन के लिए, मुझे कुछ रास्ता नहीं सूझा और मैंने संसार के उस पार जाके राम जी के मार्गदर्शन में ये किया और मेरी माँ को घर लेके आया। बेटा मेरी दिन में रात हो गई, मेरे सारे नजर आने लगे कि रौनक ने ये क्या करा। ऐसा कलयुग में ऐसा आपने कहीं सुना है? आपकी भी इतनी उम्र है, ये चप्पल नहीं है, ये मेरी जान है और मैं भी जब तक अब जीऊंगी अब जिंदगी में चप्पल नहीं पहनूंगी बेटा, क्योंकि रौनक ने मेरी चप्पल छुड़वा रही। मैं चप्पल नहीं पहन सकती। मैं 7 दिन भागवत में मैंने चप्पल छोड़ी थी, रौनक तूने जिंदगी की चप्पल छुड़वा दी बेटा। मैं नहीं पहन सकू चप्पल, अब मैं चप्पल कैसे पहनूंगी रौनक। आंटी, आपको कब पता चला कि चप्पल बनवाई है? अब यार इनके तो राज तुमने भी नहीं कही बेटा हमसे, कह रहे हो ना कितना बड़ा काम कर रहा है। मैंने रौनक के पीछे रौनक के तक काटा भी चुपे, तो मेरे असहनीय दर्द होता है, तो इतना दर्द हो रहा है उसको मेरे से देखा नहीं जा रहा। ये आज के युग में इस तरह का त्याग बेटे द्वारा किया गया है, तो और भी जो बेटे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप एक माँ की तरफ से? हर बेटा अपनी माँ को चमड़ी काट के भले ही नहीं थी दे शरीर की, पर अपनी माँ की आंखों में आंसू ना आने दे। जब ऐसा किया कैसे पता चला और क्या? हमको तो अभी इसको हमने स्टेज पे देखा जब पता चला, नहीं तो हमको पता ही नहीं था। सुबह से इसको दर्द वर्द था तब भी पता नहीं था हमको, हमको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कब है। इतना बड़ा त्याग किया है, क्या मानते हैं आप इसको, इस तरह के बेटे? ऐसा बेटा भगवान सबको दे, बस सबको ऐसा बेटा मिले भगवान, सबको ऐसा बेटा दे भगवान सबको। खास बात यह है कि रौनक किसी समय हिस्ट्री शीटर बदमाश था। कुछ साल पूर्व फरारी के दौरान पुलिस ने उसके पैर में एक गोली भी मारी थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद उसने अपने आप को बदल दिया और प्रॉपर्टी बिजनेस के साथ सामाजिक और धार्मिक कार्य करने लगा और इसी के चलते वो भागवत कथा करवा रहा है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।